Hey everyone, welcome back to my channel. So in this video I am going to share with you guys step by step flawless base makeup हम घर पे कैसे करें, या फिर step by step base routine आप कह सकते हैं. So बहुत ही ज़्यादा easy है ये base करना, आप कर सकते हैं, easy steps हैं. अगर आप follow करते हैं तो आपका बहुत ही flawless base होता है. अगर आप पूरे स्टेप बाय स्टेप अगर आप बेस को अप्लाई बेस करते हैं अपने फेस पे, देन मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है. अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक तो ज़रूर ही करिएगा इस वीडियो को. सो आप इस बेस को पार्टी के लिए भी, चाहे आप किसी भी पार्टी में जा रहे हों, आप कर सकते हैं एट होम. सो आप वेडिंग में जा रहे हो तो भी आप इस बेस को एज इट इज़ कर सकते हैं. सो ये काफ़ी इजी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया है. तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, एंड नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ कर लो गाइस, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर. फर्स्ट जो स्टेप है वो स्किन प्रेप है. तो हमें बेस से पहले अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है. इसके लिए यहाँ पर मैं लैक्मे का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ. सो आपको बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है अपने फेस को, जिससे आपका जो बेस है काफ़ी फ्लॉलेस लगे. अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपका बेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा. मेक श्योर अगर आप बेस अच्छे सा अगर चाहते हैं आपका बहुत ही अच्छा हो बेस, तो आपको स्टार्ट करना है मॉइस्चराइज़र से, एक गुड मॉइस्चराइज़र से. बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र आपको यूज़ करना है, चाहे वह कोई भी आप ले सकते हैं. आपके पास निविया हो, लैक्मे हो, या फिर किसी भी ब्रांड का मॉइस्चराइज़र आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है. मेक श्योर कि आप जिस भी स्किन टाइप के हों उस हिसाब से आप यूज़ करें मॉइस्चराइज़र को, तो ज़्यादा परफेक्टली आपका बेस बनेगा, मेकअप बेस. सो देन मैं इसे अच्छे से प्रेस कर रही हूँ, अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे. और आपको ऐसे ही करना है अगर आप घर में कर रहे हैं. सबसे पहले आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है. देन मॉइस्चराइज़र के बाद सेकेंड स्टेप मैं कर रही हूँ वो है फेस सीरम. तो आप कोई भी फेस सीरम यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि अपने स्किन टाइप के हिसाब से ही आपको फेस सीरम भी यूज़ करना है. तो यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का फेस सीरम ले रही हूँ. ये काफ़ी अच्छा एंड मॉइस्चराइजिंग है और इससे बेस तो बहुत ही अच्छा आता है. अगर आपकी ड्राई स्किन है, सुपर ड्राई स्किन, ज़रूर आप रोज़िप का, गुड वाइब्स का ये सीरम ट्राई करें. तो ये काफ़ी अच्छा हाइड्रेट कर देता है स्किन, काफ़ी ब्रीथेबल लगती है और काफ़ी शाइनिंग प्रोवाइड करता है ये आफ्टर अप्लाइंग. ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही अच्छा एक शीन प्रोवाइड करता है ये फेस सीरम. तो आप मेक श्योर कि आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से ही अपना फेस सीरम चूज़ करें. तो ये मैंने फेस सीरम अप्लाई कर लिया है, ऐसे प्रेस कर रही हूँ. सो अब ये स्टेप है प्राइमर. तो आपको प्राइमर लेना है ब्लू हेवन का. यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर. सो ये काफ़ी अच्छा है एंड सिलिकॉन बेस प्राइमर है. और इस ये मैं थोड़ा सा ही लूँगी एंड वार्म अप करूँगी अपने हैंड पे. दो वार्म अप करने के बाद फिर मैं अप्लाई करूँगी. इससे क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, देन वो फिर मैं अप्लाई करती हूँ. सो प्राइमर मैं अपने पूरे टी जोन एरिया पे अप्लाई करने के बाद फिर मैं अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लेती हूँ. तो ऐसे ही आपको प्राइमर अप्लाई करना है. और प्राइमर अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपका बिल्कुल भी बेस अच्छा नहीं होगा. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, आपको प्राइमर नहीं भूलना है और ज़रूरी ये इस स्टेप को करना है. देन यहाँ पर मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करूँगी. ये काफ़ी अच्छा लिप बाम है और काफ़ी प्लम्प कर देता है मेरे लिप्स को. एंड इससे आप बिल्कुल भी, कहते नहीं है कि लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद बहुत ही ज़्यादा ड्राई फील नहीं होता इसको अप्लाई करने के बाद. और ये थोड़ा सा बड़ा भी कर देता है, प्लम्प कर देता है. ये लिप बाम की खासियत है, ये प्लम्पिंग लिप बाम है स्पेशली. सो ये मॉइस्चराइज ही बहुत ही अच्छे से करता है. अगर आपने अप्लाई किया है तो विद इन आपके 5 मिनट्स ये आपको बहुत ही अच्छे से प्लम्प एंड मॉइस्चराइज कर देता है. तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, मेरे डार्क सर्कल्स थोड़े बहुत हैं. तो यहाँ पर मैं लिपस्टिक ले रही हूँ, रेड लिपस्टिक. तो अगर आपके
डार्क डार्क सर्कल्स हैं तो आपको रेड लिपस्टिक लेना है, बहुत ही अच्छा है अगर आपके पास। यहाँ पर मैं इसलिए लिपस्टिक ली है क्योंकि अगर आपके पास ऑरेंज करेक्टर हर किसी के पास नहीं होता, इसलिए मैं इस वीडियो में लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं आपको हैक बता रही हूँ कि कैसे आप अपने हाइड कर सकते हैं डार्क सर्कल्स को, हाइपर पिगमेंटेशंस को, एंड जो भी आपके स्पॉट्स हैं तो आप कैसे हाइड कर सकते हैं। तो अगर आपके रेड स्पॉट हैं तो आपको ग्रीन करेक्टर यूज़ करना है। यहाँ पर मैं रेड लिपस्टिक ले रही हूँ अपने हाइपर पिगमेंटेशन एंड डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। सो अब मैंने करेक्टर और लिपस्टिक अप्लाई कर ली है। देन उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसको फिंगर की हेल्प से इसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर नहीं लिया है क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर अगर मैं लेती तो वो प्रोडक्ट आधा सोक कर लेता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर का ना इस्तेमाल करते हुए, ना यूज़ करते हुए मैंने अपनी फिंगर को यूज़ किया है। तो फिंगर से ज़्यादा अच्छे से करेक्टर ब्लेंड होते हैं, तो यहाँ पर मैं फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ अपने अंडर आई, एंड मैंने फोरहेड पे भी लगाया है करेक्ट कराया क्योंकि यहाँ पर मेरी थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है, एंड मैं इसको फिंगर की हेल्प से ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट ले रही हूँ मेबलिन फिट मी। तो अगर आप कोई भी करेक्टर यूज़ करते हैं, लाइक पर्पल करते हैं, ग्रीन करते हैं, ऑरेंज करते हैं, तो उसको सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। सेट इसलिए करते हैं हम करेक्टर को ताकि फाउंडेशन में ये मिक्स ना हो जाए। अगर फाउंडेशन में ये मिक्स हो जाएगा तो कोई भी फ़ायदा नहीं है करेक्टर यूज़ करने का, तो वो हमारे हाइड भी नहीं करता है जो जहाँ पर भी हम करेक्टर यूज़ करते हैं अपनी स्किन पे। उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट इसमें कॉम्पैक्ट अप्लाई किया है करेक्टर के बाद, ताकि बिल्कुल भी ये सेट हो जाए, हिले ना अपनी जगह से, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वहीं वहीं करेक्टर अप्लाई किया। अगर अब मैं कॉम्पैक्ट को अप्लाई नहीं करती तो ये फाउंडेशन में मिक्स हो जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट का यूज़ किया है ताकि फाउंडेशन में बिल्कुल भी मिक्स ना हो और अच्छे से सेट हो जाए। और आपको मेक श्योर कि आप लूज़ भी ले सकते हैं कॉम्पैक्ट, अगर अप्लाई कर रहे हैं करेक्टर के बाद आप कॉम्पैक्ट भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं हो तो लूज़ पाउडर नहीं यूज़ कर सकते, तो आप लूज़ भी यूज़ कर सकते हैं कॉम्पैक्ट भी। अब मैं फाउंडेशन ले रही हूँ, फाउंडेशन यहाँ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फिटमी का फाउंडेशन लिया है। फिटमी का इसलिए लिया है क्योंकि ये हर किसी के पास अवेलेबल होता है फिटमी फाउंडेशन, तो यहाँ पर मैं फिटमी का अप्लाई कर रही हूँ। देन ये जो मेरा शेड है 220 है और ये काफ़ी परफेक्ट मैच है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है मेरे स्किन टोन से। मैं इसे विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन को, एंड अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मेक श्योर आप बेस अप्लाई कर रहे हैं, अगर फाउंडेशन को ब्लेंड कर रहे हैं तो आपका ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही ज़रूरी है वेट होना। अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर वेट नहीं होगा तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा आपके बेस का। तो आप जब भी अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करें तो ड्राई ना लें, आपको वेट करना है। वेट की हेल्प से आप, वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपको बेस को अप्लाई करना है, ब्लेंड करना है। यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, मेरा यहाँ पर वेट है ब्यूटी ब्लेंडर और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। देन फाउंडेशन आपको अपने स्किन टोन से एक शेड लाइट जा सकते हैं, एक या फिर दो। अगर आप ज़्यादा जाएंगे तो फाउंडेशन ठीक नहीं लगेगा, आपका बेस बिल्कुल भी आपका स्किन लाइक नहीं लगेगा। तो आपको मेक श्योर, अगर आपका ऑक्सीडाइज होता है आपके स्किन पे तो आप दो शेड लाइट ले सकते हैं, अगर ऑक्सीडाइज नहीं होता है तो आप एक शेड ऊपर जा सकते हैं, वरना आप अपने स्किन टोन से मैचिंग का ही फाउंडेशन यूज़ करें। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मैच है मेरे स्किन टोन से और फाउंडेशन काफ़ी अच्छे से ये ब्लेंड होता है फिटमी का, एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये परफेक्ट है ये आपके लिए, और ये बिल्कुल भी ऑयल नहीं आने देता है हमारे स्किन पे ये अप्लाई होने के बाद। देन ये काफ़ी अच्छा है एंड अफोर्डेबल है, तो आप इस फाउंडेशन को ले सकते हैं अगर आप बेस्ट फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं, और ड्राई स्किन वाले भी इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र कर लें या फिर सीरम इसमें डाल लें तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं कंसीलर ले रही हूँ, ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है इन दी शेड 02, और ये मैं जहाँ जहाँ हाईलाइटेड एरियाज़ होते हैं वहाँ वहाँ मैंने
कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ। अंडर आई हो गया, फॉरहेड, ब्रिज ऑफ दी नोज, क्यूपिड्स बो, तो वहाँ वहाँ मैं अप्लाई करूँगी अपने हाइलाइटेड एरियाज़ पे, जहाँ जहाँ ज़रूरत है हाइलाइट होने की। सो यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। आपको कंसीलर भी एक दो शेड जा सकते हैं, या फिर अगर आपको कंसीलर में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चाहिए तो आप येलो अंडरटोन का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कंसीलर ले रहे हैं तो एक दो शेड आप लाइट जा सकते हैं कंसीलर से, तो जो आपका फाउंडेशन का शेड है वो एक दो शेड लाइटर जा सकते हैं जब आप कंसीलर ले रहे हैं, तो ये परफेक्ट होता है कंसीलर एक शेड या फिर दो शेड लाइट होना। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वाइट कास्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा वाइटिश लगता है अंडर आई, तो आपको ये नहीं करना है, बस एक दो शेड लाइट जा सकते हैं। तो इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो गाइज, जो हमारा कंसीलर स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, और जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं वो शो नहीं होते एंड कंप्लीट बेस हो जाता है इसको अप्लाई करने के बाद। सो गाइज, मैं आपको बताती चलूँ साथ साथ, ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ब्लेंड अगर आपका अच्छे से बेस नहीं होगा तो बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं लगेगा। आपको ब्लेंड करने में फाउंडेशन और कंसीलर आपको टाइम लगेगा, और जितना आपका ब्लेंड अच्छे से होगा उतना ही ज़्यादा फ्लॉलेस आपका बेस लगेगा। तो आपको टाइम लेना है और अच्छे से अपने, अगर आपको फ्लॉलेस बेस चाहिए तो अच्छे से आपको ब्लेंड करना है विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। तो ब्यूटी ब्लेंडर से बेस बहुत ही अच्छा आता है। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप है बेस को लॉक करना, सेट करना। तो यहाँ पर सेम मैंने जो फाउंडेशन लिया था मेबलिन फिट मी, सेम मैं कॉम्पैक्ट ले रही हूँ मेबलिन फिट मी का, एंड इससे मैं सेट कर लूँगी अपने पूरे फेस को एंड लॉक कर दूँगी। तो आपको फेस को सेट जो है वो प्रेस करते हुए करना है, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है चलता हुआ काम, तो आपको बहुत ही अच्छे से ऐसे नहीं करना है जैसे मैं बता रही हूँ, आपको प्रेस करना है। सो आपको ऐसे ही अपने जो टी जोन एरिया होता है एंड अंडर आई होता है, मैं अंडर आई फर्स्ट कर रही हूँ ताकि ब्लिंक करने पे आईज़ क्रीस ना पड़े, कोई भी क्रीस लाइन ना आए आईज़ के नीचे, तो इसलिए मैं अपने पूरे दोनों जो अंडर आई है पहले सेट कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं अपने टी जोन एरिया सेट करती हूँ, देन उसके बाद मैं अपने पूरे फेस पे कॉम्पैक्ट को अप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही किया है, और आप भी अगर ऐसे ही फॉलो करेंगे तो ही आपका अच्छा एंड फ्लॉलेस बेस आएगा। सो गाइज, दिस इज़ माई कम्प्लीट मेकअप, एंड आप देख सकते हैं मेरा बेस कितना ज़्यादा फ्लॉलेस एंड परफेक्ट लग रहा है। और आप भी अगर इन स्टेप्स को अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बेस रूटीन और फाउंडेशन, आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन मतलब कैसे अप्लाई करना है एंड पूरे बेस को आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, तो आपको ऐसे ही एग्जैक्टली करना है जैसे मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। सो ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा आपको और कौन सी वीडियो देखनी है। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें ताकि मेरी जो न्यू वीडियो आए वो आप नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से। सो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, टेक केयर।